शुरू करें। सबको जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, पैरी पौना, एवरीथिंग। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। सिंटैक्स चैप्टर चल रहा था और सिंटैक्स के कई रूल पढ़ लिए, 23 पढ़ लिए मेरे ख्याल से आपने। अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन, इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स 40% of people under 30 years, under 30 years, is under nourished, और कोई गलती नहीं तो नो एरर। सेकंड, आई फाउंड दैट ऑल माय मनी, आई फाउंड दैट ऑल माय मनी have gone, कि गए सारे मेरे पैसे। B, A और कोई गलती नहीं तो no error, D। And next, third, I and Tina will go to the market in the evening. In the evening, A, B, C, D. In most of the states, 40% of people under 30 years is undernourished. I found that all my money have gone. I and Tina will go to the market in the evening. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। फटाफट इसको बना दीजिए, फटाफट बना दीजिए, फटाफट 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 बना दीजिए, एकदम आसान आसान सा है, मुश्किल मुश्किल सा बिल्कुल नहीं है। बना दिया या डाउट चल रहा है अभी? बना दिया या डाउट में चल रही है बात? अब देखो, इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, अधिकांश राज्यों में 40% ऑफ पीपल, 40% रूल लिखा रखे कि परसेंट हो, अलॉट ऑफ हो, लॉट्स ऑफ हो, टू थर्ड्स ऑफ हो, मैन, तो इन सब में क्या करते हैं, जो नाउन आता है उसके हिसाब चलता है। अब नाउन क्या है? यहाँ पीपल, और नंबर चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लुरल, उसमें से पीपल एक है, पीपल जो हमेशा प्लुरल ही होता है, तो फिर इज क्यों लिखा? इज की जगह पे क्या होना चाहिए? आर। कि 40% ऑफ पीपल की बात कर रहा ना, पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, पॉपुलेशन सिंगुलर नाउन है, लेकिन पीपल तो हमेशा क्या है? प्लुरल नाउन है, ये नंबर चैप्टर में पढ़ चुका है।
इसलिए मैंने कहा था कि नाउन, नंबर, आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रोनाउन सब अगर ठीक से पढ़ा हुआ है तब सिंटेक्स में आना तो मजा आएगा, नहीं तो फिर सिंटेक्स एकदम तकलीफ में दे देगा। आई फाउंड दैट ऑल माई मनी, नाउन चैप्टर में पढ़ चुके, मनी अनकाउंटेबल सेवरल टाइम्स पढ़ चुके, तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है तो भले इसके साथ ऑल लगा दिया, कुछ लगा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हैव की जगह क्या होगा, हैज रूल पढ़ चुके। एडजेक्टिव में भी हमने पढ़ा था कि ऑल के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, काउंटेबल नाउन है तो प्लुरल वर्ब। आई एंटीना प्रोनाउन चैप्टर में भी पढ़ा था और इस चैप्टर में पढ़ा कि भाई थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन अगर दोनों हो, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन अगर दोनों हो तो पहले थर्ड पर्सन आना चाहिए तब फर्स्ट पर्सन आना, टू थ्री वन, थ्री पहले और वन बाद में, तो ये क्या होता, टीना एंड आई। मैंने कहा ना ये क्वेश्चन बार बार ऐसे क्वेश्चंस एक ही रूल से बार बार क्वेश्चन पूछता, कि रूल ज्यादा है नहीं, 20 पढ़ा, 25 पढ़ेंगे, 26 पढ़ेंगे और क्या होगा, 30 पढ़ेंगे, और इसी 30 रूल में से क्वेश्चन पूछना, और इतने एग्जाम हो रहा है, बार बार एग्जाम हो रहा है, हर साल एग्जाम हो रहा है, साल में दो से तीन बार चार बार एग्जाम हो जा रहा है, अलग अलग जगह पर एग्जाम हो जा रहा है, तो क्वेश्चन तो उसको इतने ही रूल से पूछने हैं, तो अगर सारे एग्जाम के क्वेश्चन इकट्ठे करते तो बहुत हो जाते हैं। खैर अब आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पर, अपने टॉपिक पर। टॉपिक चल रहा है हमारा सिंटैक्स, और सिंटैक्स में हमने 23 रूल्स कर रखा है, कितने रूल कर लिए थे, 23। अब हम जा रहा आते हैं 24th रूल पे। अब 23 था कि 24, 25, 6 मुझे ध्यान नहीं है, आप देख लीजिएगा, मैं 20 अगर ज्यादा है 26 हो गया तो उसमें ऐड कर लीजिएगा, 23 है तो 24 कर लिया, रूल पे ज्यादा ध्यान नहीं। अब 20 प्लस हो गया उसके बाद हम गिनती बंद कर देते हैं, 20 के बाद हम लोग काउंटिंग बंद करते हैं, बस आप लिखते रहिए जितना लिखना है, मेन है कि जितने इंपॉर्टेंट रूल्स है वो पढ़ लेना है, कहानी खत्म, कितने हो गए इससे क्या मतलब है ना। सिंटैक्स नेक्स्ट रूल क्या था, अभी सबसे पहली क्लास जब मैंने लिया था उसमें इसका क्वेश्चन पूछा था, पहली क्लास या दूसरी क्लास में, इसको हम लोग कहते हैं हाइफनेटेड एक्सप्रेशन। हाइफनेटेड एक्सप्रेशन, ये हाइफनेटेड एक्सप्रेशन क्या होता है पहले उसे समझो, और इसमें बहुत तरह से क्वेश्चन फंसाता है। हाइफनेटेड एक्सप्रेशन का मतलब, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, सिंगुलर नाउन प्लस प्रीपोजिशन, सिंगुलर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम सिंगुलर नाउन, यहां ध्यान देना, सिंगुलर नाउन प्रीपोजिशन प्लस सेम सिंगुलर नाउन, सेम सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन प्रीपोजिशन और सेम सिंगुलर नाउन, सेम सिंगुलर नाउन, तो ये नहीं कि कोई दूसरा, और सिंगुलर कह रहा है इसका मतलब सिंगुलर ही होना चाहिए, प्रीपोजिशन के दोनों तरफ अगर सेम नाउन है तो इसका मतलब ये भी ध्यान रखना, ये भी रूल समझ लेना कि एक प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के दोनों तरफ नाउन हो तो उस नाउन को आपको सिंगुलर ही रखना है, इस बात का ध्यान रखना, उस नाउन को प्लुरल मत कर देना। प्रीपोजिशन हो, प्रीपोजिशन के तरफ दोनों तरफ सेम ही नाउन हो तो सबसे पहले उस नाउन को क्या रखना है, सिंगुलर रखना है, सबसे पहले उस नाउन को सिंगुलर रखना है, ठीक है, सिंगुलर रखना है, और उसके बाद क्या करना है, जो वर्ब आएगा वो वर्ब भी सिंगुलर वर्ब ही होगा, जो वर्ब होगा वो वर्ब भी सिंगुलर वर्ब ही होगा, ठीक है, कोई दूसरा वर्ब नहीं होगा, वो वर्ब भी सिंगुलर वर्ब ही होगा, क्लियर है, जो वर्ब होगा वो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। तो सिंगुलर नाउन प्रीपोजिशन प्लस सेम सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन प्रीपोजिशन प्लस सेम सिंगुलर नाउन, और वर्ब क्या होगा, सेम सिंगुलर वर्ब ही होगा, और वर्ब भी क्या होना, सिंगुलर वर्ब ही होना है, इसको ध्यान रखना। तो अब इसके जो बातें बताई वो क्लियर है कि प्रीपोजिशन हो, प्रीपोजिशन के आगे पीछे नाउन हो, नाउन अगर सिमिलर हो, सेम हो तो उसको सिंगुलर ही रखना है और प्लुरल कभी नहीं करना है, और फिर इसके हिसाब से जो वर्ब हो, वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, ठीक है, मीनिंग जबकि इसका हमेशा प्लुरल होता है। ये पहले लिखना कैसे होता है, जैसे हम कहते हैं तारीख पे तारीख, आपने बहुत सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, महीने पे महीने, महीने पे महीने, एक महीने फिर दूसरा महीना, फिर तीसरा महीना, फिर चौथा महीना, महीने पर महीने, तारीख पे तारीख, दिन पे दिन, सप्ताह पे सप्ताह, महीने पर महीने, इस तरह से अगर वर्ड चल रहा है, इस तरह से अगर वर्ड
चल रहा है, तो इसमें इसका काम आता है, जैसे हम कहते हैं मंथ आफ्टर मंथ। तो मंथ आफ्टर मंथ का मतलब क्या होगा कि महीने पे महीने, महीने दर महीने, हम कहते हैं डेट आफ्टर डेट, डेट आफ्टर डेट, इसका मतलब क्या होगा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हम कहते हैं डे आफ्टर डे, दिन ब दिन, हर दिन, डे आफ्टर डे। हम कहते हैं एक एक करके कई किताब, एक एक करके किताब पे किताब, किताब पे किताब, किताब पे किताब, तो क्या होगा बुक आफ्टर बुक, बुक आफ्टर बुक। ये अब देखो सेम नाउन है, बुक बुक, डेट डेट, सेम नाउन, बीच में प्रीपोजिशन है, मंथ मंथ, सेम नाउन और बीच में प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद अगर सेम नाउन आगे पीछे लाना है तो उस नाउन को सिंगुलर ही रखना है, ये ध्यान रखना है, प्लुरल वो होगा ही नहीं। और फिर इसका मीनिंग जो है वो प्लुरल होता है, दिन पे दिन यानी कई दिन, तारीख पे तारीख इसका मतलब कई तारीख, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही होता है। देखो मीनिंग फिर प्लुरल हो गया, तारीख पे तारीख कह रहे इसका मतलब तो कई तारीख, बुक आफ्टर बुक कह रहे इसका मतलब कई किताब, दिन आफ्टर डे इसका मतलब कई दिन, ढेर सारे। लेकिन नाउन भी सिंगुलर ही होता है और वर्ब भी सिंगुलर ही होता है, इसलिए जब एग्जाम में पूछता है तो बड़े प्यार प्यार से पूछता है, ऐसे ऐसे पूछता है, देखो कितने प्यार प्यार से पूछेगा, लिख देगा वीक्स आफ्टर वीक्स वर पासिंग इन इन प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशंस, कि महीने पे महीने बीते जा रहे थे तैयारियों में, यानी किसी चीज की ढेर सारी तैयारी कर रहे थे, तो महीने सप्ताह वर वीक्स वर वर पासिंग बी और सी, या अगर इससे उसका मन नहीं भरा तो ऐसे लिख देगा, ऐसे लिख देगा पेजेस आफ्टर पेजेस वॉज रेड बाय मी, ऐसे पूछ दिया, नो एरर का ऑप्शन तो रहेगा ही। इससे भी जी नहीं भरा तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, मतलब क्वेश्चन देखो कितने तरह से घुमा सकता है, ऐसे लिख दिया डेट आफ्टर डेट वर गिवन बाय द जज, नो एरर। तो कहीं ना कहीं तो लोग फंसेगा ही, कहीं ना कहीं फंस ही जाता है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो भी बच्चे नो एरर करके आना पसंद करते हैं, बहुत सारे बच्चों को लगता है नो एरर करके आ जाए, क्योंकि सब कुछ अपने ऐसा वीक्स आफ्टर वीक्स वर सब कुछ नाउन भी प्लुरल वर्ब भी प्लुरल। लेकिन इसमें गलती क्या होगी, एक में एक नहीं तीन तीन गलती होगी, कि वीक में ये एस भी हटेगा, ये एस भी हटेगा वीक आफ्टर वीक, और ये वर की जगह क्या हो जाएगा वॉस, कि सप्ताह पे सप्ताह बीत रहा था। पेजेस आफ्टर पेजेस, अब इसमें सेंटेंस पूछता है इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करके बी आएंगे, देखो पेजेस आफ्टर पेजेस लिख रहा है, यहाँ वाज क्यों लिख रहा है, इतने सारे पन्ने पढ़ दिए, ढेर सारे पन्ने पढ़ दिए, तो वाज को वर करके आ जाओ। लेकिन गलती यहाँ नहीं है, गलती क्या है पेजेस आफ्टर पेज आफ्टर पेज, क्योंकि सेम नाउन है बीच में प्रीपोजिशन है, सेम नाउन होने पर बीच में प्रीपोजिशन रहने पर आपको नाउन को सिमिलर ही रखना पड़ता है, सेम नाउन होना चाहिए और बीच में प्रीपोजिशन होना चाहिए, तब की बात हो रही है। डेट आफ्टर डेट, इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें लगता है अच्छा ठीक है ये नो एरर करके डेट आफ्टर डेट यहाँ वर्ड लिखा है तो ठीक है, तारीख पे तारीख कोड के द्वारा दिए गए तो ठीक किया वर्ड। लेकिन फिर यहाँ गलती हो गई, यहाँ वर्ड की जगह क्या होना चाहिए वॉज होना चाहिए, वर्ड की जगह क्या होना चाहिए वॉज। तो कई वेराइटी से क्वेश्चन पूछते हैं, एक ही क्वेश्चन को जो है एकदम घुमा घुमा कर, तो इससे कुछ को क्वेश्चन पूछने में बहुत मजा, दो तीन बार क्वेश्चन तो मैंने भी आपसे पूछ लिया। और मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो मेरे अपने क्वेश्चन तो नहीं, बुक से ही पूछा है, इसका तो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है। यहाँ तक समझ में आ गई बात, चलिए ये रूल क्लियर हो गया, नेक्स्ट रूल चलते हैं, रूल नंबर 25
20 क्या क्या 25 रूल हो जाता तो अच्छी बात ना, तीन रूल उधर से भी है तो 28 हो जाएगा, उधर दो रूल एक्स्ट्रा भी 27 28 तो अच्छी बात है। जितना कहना उससे ज्यादा देना बड़ा बहुत मजा आता है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट रूल है कि अगर फिक्स्ड अमाउंट वेट डिस्टेंस, फिक्स्ड अमाउंट वेट और डिस्टेंस, फिक्स्ड अमाउंट वेट डिस्टेंस, इन सब को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं, फिक्स्ड अमाउंट को वेट को डिस्टेंस को, तो फिक्स्ड अमाउंट को वेट को डिस्टेंस को इन सब को अगर सब्जेक्ट बनाया गया, इन सब को अगर हमने सब्जेक्ट बना दिया तो वर्ब हमेशा क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। तो फिक्स्ड अमाउंट हो गया, वेट हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, मात्रा बताने वाले वर्ड होंगे। जैसे हम कहते हैं 10 किलोग्राम्स ऑफ सुगर, चीनी वर परचेज्ड, कि 10 किलोग्राम चीनी खरीदे गए, तो 10 किलोग्राम चीनी जो है, 10 किलोग्राम चीनी, ये काउंटेबल नहीं हुआ, नहीं तो मात्रा होगा, तो लिख रहा है 10 किलोग्राम्स, लग रहा है प्लूरल है सब कुछ, लेकिन कुछ लोग तो इतने जल्दबाजी में होते हैं, इस तरीके किलोग्राम कहीं ऐसा डाल देते हैं कि भाई किलोग्राम में एस क्या कर रहा है, तो किलोग्राम का एस नहीं बटेगा, 10 है तो 10 में किलोग्राम्स रहेगा, वो नंबर चैप्टर में मैंने बता रखा है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं इसमें एस नहीं लगता है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, किलोग्राम से नहीं हटाना है, किलोमीटर से नहीं हटाना, तो 10 किलोग्राम्स क्वांटिटी बताता है, तो 10 किलोग्राम से कि 100 किलोग्राम से कि 100 क्विंटल से कि 100 टन से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी बता रहा है ना, इसलिए वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, वर्ब की जगह क्या होना है, कोई क्वांटिटी बताना है, फिक्स्ड अमाउंट बताने के लिए आया, वॉस, या हमने लिखा टेन थाउजेंड रुपीज, 10,000 रुपीज वर डोनेटेड, कि 10,000 रुपीज वर डोनेटेड, कि 10,000 रुपये जो है दान किए गए, 10,000 रुपये जो है वो दान किए गए, 10,000 रुपीज वर डोनेटेड, 10,000 रुपये दान किए गए, तो लेगा ठीक है, अच्छी बात है, 10,000 रुपये दान किए गए, 10,000 रुपीज वर डोनेटेड, रुपीज भी लिखा हुआ है यहाँ, प्लूरल लिखा है, और मजा आएगा, अरे रुपीज लिख रखा है तो रुपीज तो प्लूरल ही हुआ, कि 10,000 रुपये दान किए गए, लेकिन 10,000 रुपीज एक अमाउंट है, एक मात्रा है, एक क्वांटिटी है, इसलिए मात्रा या क्वांटिटी होने पर फिक्स्ड, डिस्टेंस होने पर फिक्स्ड, हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहां पर क्या होना चाहिए था, इसलिए यहां पर क्या होना चाहिए था, वर्ब की जगह वॉज। आपने कहा 50 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, 50 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक ऑन फुट, कि पैदल चलने के लिए जो 40 किलोमीटर है वो बहुत लंबी दूरी है, पैदल चलने के लिए 40 किलोमीटर जो एक बहुत लंबी दूरी है, पैदल चलने के 40 किलोमीटर, तो आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, नहीं भाई आर अ लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होगा, क्या होगा, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, क्या होना चाहिए था, आर की जगह पे इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, कई हो चाहे वो अमाउंट बता रहा है, वेट बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, तो आपको वर्ब को क्या रखना पड़ेगा, सिंगुलर रखना पड़ेगा। इसी में इसी का एक बी रूप पार्ट भी है, इसी को बी पार्ट करके भी समझ सकते हैं, इसी में कि इसी में यह भी कहा जाता है
कि अगर इसमें सेपरेशन या डिवीजन का सेंस है, विभाजन का सेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस है, डिवाइड करने का सेंस है, तो फिर प्लूरल वर्ब हो सकता है। जैसे हमने लिखा मिलियंस ऑफ रुपीज वर स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट्स, मतलब क्या है कि आपने अमाउंट को क्या अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर डिवाइड किया है, अलग अलग प्रोजेक्ट पर डिवाइड, एक ही प्रोजेक्ट पर सारा अमाउंट नहीं लगाया, अलग अलग प्रोजेक्ट पर अमाउंट को डिवाइड किया, तो ये क्या वर्केबल है कि आपने ढेर सारे प्रोजेक्ट है और सारे प्रोजेक्ट पर अमाउंट को डिवाइड किया है। ये लिखते थे मिलियंस ऑफ रुपीज वर डिवाइडेड ऑन दिस वेरियस प्रोजेक्ट, तो चलेगा। तो जब अमाउंट को हम लोग डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग पार्ट में, तो उसको प्लूरल कर सकते हैं। नॉर्मली क्या है कि फिक्स अमाउंट, रेट, डिस्टेंस हो तो उसको सिंगुलर ही रखें, लेकिन अगर अमाउंट को डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, सेपरेट करना है, अलग अलग दिखाना है, अलग अलग दिखाना, तो आप उसको प्लूरल कर सकते हैं, उसको प्लूरल वर्ब में यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो ये था, कितने रूल थे ये, 25। ओके चलिए 26 पर चलते हैं। रूल 26 में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि अगर नाइदर नॉर से जोड़ रहे हैं, ठीक है, अभी नॉट ओनली बट ऑल्सो जोड़ा था, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कनेक्टर हमारा क्या होता है, आइदर और नाइदर नॉर, इससे भी जोड़ सकते हैं, कई चीज से जोड़ा था, एंड से जोड़ा, एज वेल एज से जोड़ा, टुगेदर विद से जोड़ा, नॉट ओनली बट ऑल्सो जोड़ा, अब आइदर और नाइदर नॉर से जोड़ रहा है। तो आइदर और नाइदर नॉर से भी अगर हम जोड़ते हैं नाउन को, तो जनरली ये देखा गया है कि और या नॉर वाले जो नाउन होते हैं उसके हिसाब से वर्ब चलाते हैं, ठीक है, लास्ट या नियरेस्ट, नियरेस्ट वर्ब अकॉर्डिंग, वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नाउन, जो सबसे नजदीक का जो नाउन होता है उसके हिसाब से हम वर्ब चलाते हैं, नियरेस्ट नाउन, समझ रहे, जो नियरेस्ट है सबसे नजदीक होगा उसके हिसाब से वर्ब चलेंगे, सबसे नजदीक जो भी है उसके हिसाब से। हालांकि इसमें काफी विवाद भी है, कंट्रोवर्सी भी है, लेकिन जो एग्जाम वगैरह में देखा गया, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें क्या करें, उसकी बात हो रही है, तो एग्जाम जनरली क्या कर, जो नियरेस्ट होगा, नियरेस्ट मतलब नजदीक, ये नहीं कह रहे और या नॉर ही नहीं कह रहे कि और, इससे पहले नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या लिखा था कि जो बट ऑल्सो के साथ था उसके साथ, इसमें कह रहे नियरेस्ट जो नजदीक हो, यानी जो सब्जेक्ट की नरेस्ट, जो जहां जो वर्ब यूज कर रहे हैं, तो जो वर्ब आप यूज करने वाले उसके नियरेस्ट जो नाउन है उसके हिसाब से वर्ब यूज करना है, जो भी आप वर्ब यूज करेंगे वो जो नियरेस्ट नाउन है, सबसे नजदीक वाला जो नाउन है उसके हिसाब से, जहां वर्ब कर रहे हैं उस वर्ब से नजदीक जो नाउन है, ये ध्यान रखना, लिख लीजिए उसको साफ साफ, साफ साफ लिख, जो वर्ब यूज कर रहे हैं उस वर्ब के नजदीक, सबसे नजदीक जो नाउन है, जिस वर्ब को हम यूज कर रहे हैं उस वर्ब के सबसे नजदीक जो नाउन है उसके हिसाब से वर्ब चलेगा, वर्ब के नजदीक वाले नाउन के हिसाब से वर्ब का यूज होगा, ठीक है, यानी जो वर्ब यूज कर रहे हैं वो वर्ब के जो सबसे नजदीक नाउन है उसके हिसाब से चलेगा, ठीक है, ये रूल हुआ, वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नाउन, जो सबसे नजदीक हो, जैसे हम कहते हैं Either Ravi or his friend has come. तो या तो रवि या फिर उसका मित्र आया, हम कहना चाहते या तो रवि आया या फिर उसका मित्र आया, तो either Ravi or his friend has come. तो ये जो has हम लिखने जा रहे हैं इसके तुरंत नजदीक में क्या है, friend. Has के तुरंत नजदीक में क्या है, friend. तो इसलिए इस friend के हिसाब से ये verb चल रहा है. Verb क्या है, has.
और हैज के तुरंत नजदीक में क्या है, एकदम नियरेस्ट क्या है, फ्रेंड। तो फ्रेंड हैज के एकदम सबसे नजदीक में है, इसलिए वर्ब जो यूज कर रहे हैं हम फ्रेंड के हिसाब से यूज कर रहे हैं। किसके हिसाब से यूज कर रहे हैं? फ्रेंड के हिसाब से। क्लियर है? फ्रेंड के हिसाब से वर्ब चल रहा है, क्योंकि हैज के नजदीक, हैज जो वर्ब है उसके नजदीक में फ्रेंड है, तो नियरेस्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नाउन, वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नाउन। चलो दूसरा सेंटेंस हमने लिखा, हमें लिखा नाइदर मोहन नॉर हिज फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर यू। अब नजदीक में क्या दिख रहा है? तो फ्रेंड्स दिख रहा है, और यहां क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वर्ड दिख रहा है, तो बिल्कुल सही। अब जबकि शुरू में देखो मोहन लिख रखा है, शुरुआत जो किया वो मोहन से किया, मोहन सिंगलर, यहां भी शुरुआत रवि से किया है, तब इस कंफ्यूजन में नहीं जाना था, यहां रवि था तो यहां सिंगलर हो गया, तो चलो बच गई बात। और यहां फिर यहां बच गई बात सिर्फ इसलिए कि हैज के तुरंत पहले क्या था, फ्रेंड था, और फ्रेंड क्या था, नाउन था। तो आपको चलना हमेशा नाउन के हिसाब से ही है, चलना हमेशा नाउन के हिसाब से है, तो नाउन नजदीक वाले नाउन के हिसाब से। यहां नजदीक वाला नाउन हमारा क्या था, वर, ये फ्रेंड्स, यहां नजदीक वाला नाउन था हिज फ्रेंड, यहां पे नाउन फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसलिए क्या क्या वर, इसलिए ये आंसर भी क्या है, सही है। नजदीक वाला जो नाउन है उसके हिसाब से करना, आइदर और हो, नाइदर नॉर हो, जो नजदीक वाला नाउन होगा, जो एकदम करीब वाला नाउन होगा उसके हिसाब से चलना। और दोनों अगर प्लूरल ही तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों सिंगुलर है तो भी दिक्कत नहीं, दोनों प्लूरल है तो भी दिक्कत नहीं है। जैसे हमने लिखा नाइदर टीचर्स नॉर देयर स्टूडेंट्स आर सीरियस ऑन यूट्यूब। क्या या ऑन द यूट्यूब, कि अगर यूट्यूब पर आप क्लास लेने के लिए जा रहे हैं, कई बार हालांकि हम जैसे लोग भी होते हैं बहुत सीरियस रहते हैं, तो बहुत सीरियस रहते हैं तो बच्चे को तकलीफ हो जाती है कि भाई इतने सीरियस, हम तो YouTube पर मजे लेने आए थे, सर सीरियस होकर पढ़ाने लगे तो मूड ही खराब कर दिए। मूड इसलिए खराब हो गया भाई कि आए थे YouTube पर मजे लेने के लिए और लगे टीचर पढ़ाने के लिए, तो दिक्कत हो जाती है मूड ही, पढ़ने से मूड, अब पढ़ने का जी नहीं कर रहा था तभी तो YouTube देख रहे थे, पढ़ना ही होता तो अकेले ऐसे भी पढ़ लेते हैं हो जाता कभी कभी ऐसा हो जाता तो इसमें क्या है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स, अब यहाँ शुरू में भी सिंगुलर प्लूरल नाउन था, बाद में प्लूरल नाउन है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ अगर सिंगुलर नाउन है तो कोई भी दिक्कत नहीं, दोनों तरफ प्लूरल नाउन है तो दिक्कत होती है, तो भी दिक्कत नहीं है, तो भी आपको दोनों तरफ सिंगुलर नाउन तो भी दिक्कत नहीं, दोनों तरफ प्लूरल नाउन तो भी दिक्कत नहीं, अब प्लूरल का इस्तेमाल कर लीजिए। तो यहाँ आर क्या था, बिल्कुल एक सिंगुलर और एक प्लूरल होता है तब दिक्कत है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल है तो फिर भाई देखना पड़ता कि सिंगुलर किधर है, नजदीक में कौन है, नजदीक में कौन है, तो जो नजदीक में उसके हिसाब से लगा देंगे, प्लूरल नजदीक में तो प्लूरल लगा देंगे, सिंगुलर नजदीक में तो सिंगुलर लगा देंगे। जैसे अब मान लो इसी सेंटेंस को हमको इंटरोगेटिव बनाना था, या नियरेस्ट जो लिखा था उसका क्या मतलब था, इसमें ये समझो कि इसी सेंटेंस को सपोज करो कि हमको इंटरोगेटिव बनाना है, इसी सेंटेंस को क्या करना है, हमको इसी सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, इंटरोगेटिव। तो अगर इस सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तब क्या होगा, जो तीन सेंटेंस हमने लिख रखा था उसी में से लेते हैं, कोई किसी को लिखते हैं, इज लिखा आर आइदर द प्राइम मिनिस्टर और हिज कैबिनेट और हिज कैबिनेट, चलिए लिख दिया तो इसमें कुछ कर देते, और हिज कैबिनेट कलीग्स, सी ओ डबल आ लीजिए उसमें, तो कैबिनेट मिनिस्टर लिखते, अब सी लिख दिया तो काटने ज्यादा बेहतर, सिम बना दो, कैबिनेट कलीग्स, कैबिनेट सी ए बी आई एन टी कैबिनेट कलीग्स, सी ओ डबल एल ई जी यू एस कलीग्स, आर आइदर द प्राइम मिनिस्टर और हिज कैबिनेट कलीग्स involved
इन द स्कैम कि इस घोटाले में कौन शामिल है। जरा ध्यान देना इस बात पे। किस बात पे ध्यान देना है जरा गौर से देखो कि आर आइदर द प्राइम मिनिस्टर और हिज कैबिनेट कलीग्स, और के साथ क्या है कैबिनेट कलीग्स, कैबिनेट कलीग्स क्या हुआ प्लूरल, समझ में आ रही बात, कैबिनेट कलीग्स क्या है प्लूरल। तो जब कैबिनेट कलीग्स प्लूरल है, जब कैबिनेट कलीग्स प्लूरल है तो इसके साथ तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए था, लेकिन ये सेंटेंस तो क्या है इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव है तो और के साथ तो कैबिनेट कलीग्स था। अभी जैसे हम देख रहे हैं और के नॉर के साथ क्या है स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट है तो आर लिखा है ना हमने, नॉर के साथ तो क्या है स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट के साथ तो आर लिखा तो ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ कैबिनेट कलीग्स है प्लूरल है तो फिर तो यहाँ आर ठीक होना चाहिए था। लेकिन अब बात फंस गई, बात क्या फंस गई कि ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस थे, अफर्मेटिव सेंटेंस थे तो नाउन जहां हम वर्ब का यूज कर रहे थे वहां जो नाउन था वो प्लूरल था। अब यहां पे क्या हो रहा है कि जहां हम नाउन का यूज करने जा रहे हैं वो नाउन हमारा क्या है प्राइम मिनिस्टर यानी सिंगुलर है, तो आर जो वर्ब है इसके नजदीक का नाउन क्या है कैबिनेट कलीग्स या प्राइम मिनिस्टर। यहां जो हम आर का इस्तेमाल कर रहे थे यहां आर के नजदीक कौन था टीचर्स या स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट था। इससे पहले जो हमने वर्ब का इस्तेमाल किया इसमें आइदर रवि और इस फ्रेंड, तो वर्ब के नजदीक में कौन था फ्रेंड था, तो फ्रेंड के हिसाब से काम किया, फ्रेंड के हिसाब से बात हुई। बाहर की कोई आवाज तो नहीं आ रही ना, एक्चुअली अभी क्लास के एकदम ठीक बगल में काफी तेज से ड्रिल मशीन चलाया जा रहा है तो मुझे लगा कि कहीं बाहर की आवाज ना आ रही हो आपको, इसलिए मैंने थोड़ा इसके सेटिंग को चेंज कर दिया है। ठीक है, बहुत तेज, बहुत मतलब इतनी तेज है कि मैं जो बोल रहा हूँ मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो मुझे नहीं सुनाई दे रही है, फिर भी अगर मेरी बात आप लोगों को सुनाई दे रही है और वो बात अगर मैं जो बोल रहा हूँ इतनी तेज आवाज है कि मुझे नहीं सुनाई दे रही मैं जो बोल रहा हूँ, फिर भी अगर आपको मेरी आवाज सुना रही है तो ये मशीन का टेक्नोलॉजी का कमाल है, जबरदस्त कमाल है। मेरी बात अगर आप सुन पा रहे हैं और बाहर की अगर आपको आवाज नहीं आ रही है फैंटास्टिक, अगर नहीं आ रही है तो तो यहां जो वर्ड का इस्तेमाल किया हमने, यहां जो वर्ड हमने लिया है क्या लिया है वर। ठीक है, तो वर क्यों लिया, क्योंकि वर के नजदीक में क्या था फ्रेंड्स था, नजदीक था। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में, तो इस सेंटेंस में जहां आर का इस्तेमाल करें तो आर के नजदीक हमारा क्या प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर तो सिंगुलर है ना, और रूल क्या कहता है वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नाउन, तो ये आर की जगह क्या होगा इस। मतलब क्या है समझने की बात देखो कि यही सेंटेंस अगर एफर्मेटिव में लिखा जाता पॉजिटिव होता तो इसमें आर लगता, और उसी का अगर हमने यही सेंटेंस अगर हम एफर्मेटिव द प्राइम मिनिस्टर आइदर द प्राइम मिनिस्टर और हिज कैबिनेट कलीग्स, तो आर हो जाएगा कि आइदर द प्राइम मिनिस्टर और हिज कैबिनेट कलीग्स आर इन्वॉल्व इन द स्कैम, जहां इसको एफर्मेटिव बनाएंगे तो आर हो जाएगा। तो ये इतिहास का या ग्रामर का इकलौता सेंटेंस आइदर और नाइदर नॉर का होता है जहां एफर्मेटिव में अलग वर्ब होता है और इंट्रोगेटिव में अलग वर्ब होता है। नहीं तो जनरली रूल यही है, जनरली रूल यही है कि जो एफर्मेटिव में सब्जेक्ट होता है वर्ब होता है वही इंट्रोगेटिव में भी होगा वही नेगेटिव में भी होगा, वर्ब को कैसे चेंज कर देंगे आप, अगर एफर्मेटिव में सिंगुलर वर्ब है तो इंट्रोगेटिव में तो सिंगुलर ही रहता है नेगेटिव में भी सिंगुलर रहेगा, ऐसा तो नहीं होता एफर्मेटिव में सिंगुलर वर्ब है और इंट्रोगेटिव में प्लूरल वर्ब हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। लेकिन याद रखना एक केस यानी एक जीएस का एक क्वेश्चन होगा, एक्सेप्शनल केस टाइप का क्वेश्चन हो गया कि इंग्लिश में भी एक ऐसा सेंटेंस है जहां एफर्मेटिव को हम तो सिंगुलर में बनाते हैं लेकिन इंट्रोगेटिव को हम प्लूरल में बनाते हैं, जबकि ऐसा जनरली नहीं होता, कहीं नहीं होता है। अगर आप एफर्मेटिव को सिंगुलर बनाएंगे और इंट्रोगेटिव को प्लूरल बना देंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा, जिसमें एफर्मेटिव बनता है उसी में नेगेटिव बनता है उसी में इंट्रोगेटिव बनता है सारे के सारे उसी में बनते हैं सारे के सारे उसी में बनते हैं, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन एक केस ऐसा भी है एक्सेप्शनल और रेयर आइदर और का केस है जहां जहां आप जहां पर क्या करते हैं आप जहां पर एफर्मेटिव में तो सिंगुलर वर्ब रहता है
इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है. क्यों हो जाता है उसके रूल, क्योंकि आइदर और नाइदर के नॉर के साथ लिखा कि वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नाउन, कि वर्ब का इस्तेमाल जो जो सबसे नजदीक वाला जो नाउन है, सबसे नजदीक वाले पास वाले नाउन को ध्यान में रखते हुए आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है. इस वजह से, इसलिए, ठीक है, इस वजह से या इसलिए. समझ में आ गई बात? बहुत इंटरेस्टिंग रूल था. इसके बाद एक चीज का ध्यान रखिएगा, वो ये, अब ये रूल नंबर कितना होगा, 28 या 29? 26 का बी, 26 था ये. रूल 27 ये क्या कह रहा है, 27 की, कभी कभी क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स का दूसरा नाम क्या है, फ्रेज या क्लॉज. सब्जेक्ट का काम करता है, मतलब कोई क्लॉज या कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स या कोई फ्रेज जो है वो अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो आपका जो वर्ब होना चाहिए, आपका जो वर्ब होना चाहिए वो होना चाहिए सिंगुलर. एक क्लॉज सिंगुलर वर्ब. ध्यान क्या कह रहा है, ध्यान करने की बात इसमें क्या है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप जो शब्दों का समूह है वो एक है, या कोई जो क्लॉज है एक क्लॉज है, या फिर एक जो है कोई फ्रेज है. जैसे हम कहते हैं कमिंग टू वन पॉइंट आर नॉट इजी, कि एक पॉइंट पे आना आसान नहीं है. कमिंग टू वन पॉइंट आर नॉट इजी. अब कमिंग टू वन पॉइंट ये चार वर्ड हो गया, 1 2 3 4, लेकिन ये चारों वर्ड के ग्रुप बना रहा है ना, समझ आ रही बात. तो ये जो कमिंग टू वन पॉइंट चार वर्ड है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है. ये कमिंग टू वन पॉइंट जो चार वर्ड है ये क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कमिंग टू वन पॉइंट. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक 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 ग्रुप, ढेर सारे वर्ड का एक ग्रुप है, चार वर्ड का एक ग्रुप है. तो जब एक ही ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या कोई फ्रेज हो, फ्रेज का मतलब जितना ग्रुप वर्ड्स, या कोई क्लॉज हो, तो उस वो अगर सब्जेक्ट का काम करता है तो उसको हम सिंगुलर रखते हैं. तो कमिंग टू पॉइंट एक मुद्दे पर आना आसान नहीं है. ये जो पूरा चार वर्ड है ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा, तो भले चार वर्ड लेकिन होगा इस, ठीक है. जैसे हमने कहा टू आस्क हिम अ क्वेश्चन, कि टू आस्क हिम अ क्वेश्चन, अब ये क्या हुआ, एक तरह से क्लॉज हो गया, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब है, कि उससे प्रश्न पूछना. टू आस्क हिम अ क्वेश्चन, टू आस्क हिम अ क्वेश्चन, आर नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, कि यह बच्चों का काम नहीं है, ठीक है, यह बच्चों का काम नहीं है. उससे सवाल पूछना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई बच्चों का काम नहीं है, उससे सवाल पूछना, ठीक है. टू आस्क हिम अ क्वेश्चन आर नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, उससे सवाल पूछना, उससे प्रश्न पूछना कोई बच्चों का खेल नहीं है. तो क्या गलती होगी, आर की, ये पूरा का पूरा एक क्लॉज हो गया जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब का, टू आस्क हिम अ क्वेश्चन, टू आस्क क्या हो गया, वर्ब हो गया, हिम ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, फिर उसका क्या पूछना, तो प्रश्न पूछना, ऑर्डर वाला सेंटेंस हो गया, टू आस्क हिम अ क्वेश्चन, वर्ब से शुरू करना. तो ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसका जो वर्ब होगा वो वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर. तो आर की जगह क्या होना चाहिए था, इस. अब जैसे हमने कहा दैट कि इंडिया इज अ सेक्युलर
कंट्री। तो अब एक तरह देखो ये पूरा क्लॉज हो गया, ये हम लिखते जितना भी लिखते इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, तो पूरा सेंटेंस ही हो जाता है। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री और लिख के फुल स्टॉप लिखते तो सेंटेंस ही तो होगा। तो दैट इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इज नोन टू ऑल, सबको पता है, इज नोन टू ऑल, सबको पता है। तो इस पूरे क्लॉज को हमने क्या किया, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया पूरे क्लॉज को, कि दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये सबको पता है, ये सब जानते हैं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये सब जानते हैं, ये सबको पता है। पूरा क्लॉज या पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो कोई फ्रेज, पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स या कोई क्लॉज अगर सब्जेक्ट की तरह काम करता है, सब्जेक्ट की तरह अगर यूज होता है, तो आपको वर्ब हमेशा सिंगुलर रखना होगा। अक्सर इस तरह के सेंटेंस में क्या करेगा, आपको प्लुरल वर्ब दे देगा। हाँ, अगर यही क्लॉज दो तीन हो जाए, अब लिख दैट इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री एंड इंडिया इज अ वीक कंट्री एंड दैट इंडिया इज सेकुलर कंट्री एंड चाइना इज नॉट अ सेकुलर कंट्री, तो दो हो गया, फिर आर कर देते हैं। तो क्लॉज अगर एक से अधिक होने लगेगा, क्लॉज अगर एक से अधिक होगा, तो पता चल, जैसे लिख दिया इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री एंड चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री आर वेल नोन फैक्ट्स। इसमें शुरू में चाहते तो दैट भी लिख सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, दैट भी लिख सकते थे। तब इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, एक अलग क्लॉज हो गया। चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, एक अलग क्लॉज हो गया। चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री आर वेल नोन फैक्ट्स। अब ये दो फैक्ट हो गए ना, एक इंडिया का, तो इसलिए फैक्ट में एस भी लगा दिया, फैक्ट भी दो, एक इंडिया का फैक्ट हो गया, एक चाइना का फैक्ट हो गया, तो दो फैक्ट, इसलिए फैक्ट में एस भी लगाया और आर वेल नोन। तो क्लॉज या ग्रुप ऑफ वर्ड्स या सेंटेंसेस अगर एक ही है और वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक ही है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आप वर्ब को क्या कर लीजिए, सिंगुलर कर लीजिए, वर्ब को क्या कर लीजिए, सिंगुलर कर लीजिए। और अगर एक से अधिक है, अगर एक से अधिक है, तो फिर वर्ब को प्लूरल कर लीजिए। एक से अधिक है तो वर्ब को प्लूरल कर लीजिए, कहीं कोई मना ही नहीं है। दोनों बात आपके लिए, दोनों बात आप पर लागू होता है, दोनों बात आप पर एप्लीकेबल है, कि अब कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो कुछ किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, ओके। तो अभी है कहानी, है थोड़ी सी कहानी अभी और बाकी है, थोड़ी सी कहानी अभी और बाकी है, नेक्स्ट क्लास में कहानी होगी इससे आगे। ख्याल रखिएगा अपना, मिलता हूँ अगली क्लास में।